हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, केबल ऑपरेटर को अपनी लाइन के लिए नोड और ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये नोड और ट्रांसमीटर दोनों एक ही यूनिट में आ जाए ऐसी प्रोडक्ट नोड कम ट्रांसमीटर के बारे में मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप नोटिफिकेशन में देख पाओ। तो वीडियो में आप देख सकते हो पावर कंपनी का नोड वी 10 dBm ट्रांसमीटर। ये 12 वोल्ट DC से भी चलेगा और सेट टॉप बॉक्स के रिवर्स पावर से भी चलेगा। जैसे हमारा नोड आता है वैसा ही ये रेगुलर नोड है। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इनपुट देना है, जैसे हम हमारे नोड के अंदर देते हैं। ये हम ऑप्टिकल इनपुट दे रहे हैं और आप देख सकते हो ये इंडिकेशन ऑन हो गया है। और जैसे आपके नोड में दो आउटपुट और एक मॉनिटर पॉइंट रहता है, वैसे ही इसमें भी दो आउटपुट और एक मॉनिटर पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे एडिशनली हमने 10 dBm का एक ऑप्टिकल आउटपुट दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको नोड विद 10 dBm ट्रांसमीटर कहते हैं। और यहाँ पे आप नोड में जैसे फाइबर ऑप्टिकल इनपुट देते हो, उसी तरह से आपको इनपुट देना है। यहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक कितना दे रहे हैं वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जो पावर जा रही है इसके अंदर वो करीब करीब 1.96 dB जा रही है 1310 nm में। आप इसमें कोई भी वेवलेंथ दे सकते हो, 1310 nm या 1550 nm, कोई भी वेवलेंथ दे सकते हो, पर यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो 1310 nm की ही निकलेगी। और अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि हमें आउटपुट 1550 वाली ही चाहिए, तो वो ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे हम 1.96 यानी करीब करीब 2 dB जितना इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप -5 तक दे सकते हो, जैसे हम अपने नोड में देते हैं वैसे भी आप -5 तक दे सकते हो। ये हमने ऑप्टिकल इनपुट दे दिया हमारा। हमारा इनपुट +2 के करीब करीब है, इसीलिए ये इंडिकेशन की लाइट सारी ऑन है। तो आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे हमने ये ऑप्टिकल इनपुट दिया हुआ है और यहाँ से हमें RF मिलेगा और यहाँ से हमें 10 dBm का आउटपुट मिलेगा। हम चेक करेंगे 10 dBm आउटपुट। ये मीटर हमारा ये पेचकोर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेचकोर को यहाँ पे प्लग इन किया, तो आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब 10.42 dB आउटपुट मिल रही है। यानी ये नोड विद ट्रांसमीटर 10 dBm आपको कंप्लीट निकाल रहा है। इस नोड से आप आगे कम से कम 10 dBm में, आप 0 dBm पे अगर डिज़ाइन करते हो 2 किलोमीटर के रेडियस में, तो आप कम से कम 8 नोड चला सकते हो। और अगर आप माइनस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इसके आगे आप 10 से 12 नोड आराम से चला सकते हो। वीडियो में आप देख सकते हो इसमें हमने ऑप्टिकल इंडिकेशन दिया हुआ है, जैसे हमारे सारे ट्रांसमीटर्स में है, आपने आगे की वीडियोस में भी देखा होगा। यहाँ पे ये ग्रीन LED ऑन है, मतलब ऑप्टिकल पावर ऑन है। इसमें जो 10 dBm का ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसकी आउटपुट कम हो गई या बंद हो गई, तो ये ग्रीन LED बंद होके रेड LED ऑन हो जाएगी। और ये यूनिक फीचर्स आपको सिर्फ पावर प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा, और किसी ब्रांड में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। और ये मॉडल में AGC ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऑटो गेन कंट्रोल वाला भी ऑर्डर कर सकते हो। अब हम आपको इसकी सेटिंग की प्रोसीजर बताएंगे। जैसे हमने हमारी आगे की वीडियो में भी बताया था, आपका कोई भी आउटपुट खाली नहीं रहना चाहिए। हम एक आउटपुट पे मीटर लगाएंगे और दूसरे आउटपुट को लोड करेंगे। ये 75 ओम्स का लोडर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो हमारा मीटर है उसका जो कोड है वो हम यहाँ पे दे देंगे उसके आउटपुट में। और मीटर का कोड आउटपुट में देने के बाद, जैसे आप अपना नोड सेट करते हो 96 पे, यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट है, तो हमें 96 निकालना रहता है दो आउटपुट में, पर यहाँ पे हम 97 dB आउटपुट निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है करीब करीब 96.5 इतनी है। थोड़ा सा हल्का सा गेन बढ़ा के हम उसको 97 पे लाने की कोशिश करेंगे।
ये करीब करीब हमने 98 इसको सेट किया हुआ है, यानी दो आउट है तो दोनों में आपको 98 डीबी सेट करना है पैरेलल। कोई भी स्लोप मेंटेन नहीं करना है। जब आप इसको 97-98 डीबी पे सेट करते हो तो यहाँ पे इसका MER और BER देख लीजिए, कोई भी एरर नहीं है, MER और BER आपको कंप्लीट मिलेगा। अब यहाँ से हमें 10 डीबी आप इसको निकाल सकते हैं, आपका जो लोकल लाइन है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके आपके जो लोकल कनेक्शन है उसको आप चला सकते हो। अब यहाँ से हमें जो 10 dBm ऑप्टिकल पावर मिल रही है उसको आप फाइबर ऑप्टिकल के कपलर लगा के उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, और आगे आप 8 से 12 नोड आप अपनी डिज़ाइन के मुताबिक आप चला सकते हैं। ये हमने कपलर लगाया हुआ है 70-30 का। हमारा जो 10 dBm आउटपुट है उसमें से हमें 0 dBm करीब करीब चाहिए, इसलिए ये कपलर का इनपुट है, ये आउटपुट है, ये 70-30 का कपलर जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अब हम ये ट्रांसमीटर की आउटपुट कितनी आ रही है उसको हम ये मीटर के साथ चेक करेंगे। ये प्लस में 0.35 आ रही है, तो ये 0.35 आउटपुट को हम ये अपने 90 dB वाले FTTH, जैसे आपने आगे की वीडियो में देखा है ये एक्टिव FTTH 12 वोल्ट DC पावर से चलता है, हम ये आउटपुट से ये FTTH चला के MER BER उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। आप देख सकते हो हमने ये फाइबर इनपुट दे दिया और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी, तो देख सकते हो वीडियो में, और ये स्विच दे दी हमने, तो ये FTTH हो चुका है ऑन। और जैसे कि वीडियो में दिख रहा है ये FTTH ऑन है। और अब हम जो ये हमारे मीटर की केबल यहाँ से निकाल के ये FTTH में देंगे उसकी आउटपुट चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कोई भी आउटपुट खुली नहीं रहनी चाहिए। आपकी जो लोकल लाइन है यहाँ पे आपके वहाँ के जो कनेक्शन है कोएक्सल में चलने वाले, कोएक्सल से चलने वाले, उसका आप यहाँ पे लोड दे दो। अगर वो लोड नहीं है तो यहाँ पे हमें एक डमी लोड लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम FTTH की आउटपुट चेक करेंगे जो हमने यहाँ पे दे दी है। FTTH में करीब हमने 0.35 इनपुट दिया है ऑप्टिकल का, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट जो है वो 85 dB है करीब करीब, और MER BER आप देख लीजिए कंप्लीट मिल रहा है आपको। इस तरह से आप ना सिर्फ FTTH, आप हमारे जो भी रेगुलर नोड है FTTH के अलावा उसको भी आप चला सकते हो। ये FTTH की आउटपुट जो है वो करीब करीब 85-90 dB के बीच में रहती है। आप उसको भी रेगुलर ट्रांसमीटर करके उसको 96-96 सेट करके आप उसे चला सकते हो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप नोटिफिकेशन में देख पाओ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी प्रोडक्ट्स की लिंक डाली हुई है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो।